हेलो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को किस तरह से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉलेशन के लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सेटअप फाइल चाहिए होगा, जो कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, या फिर हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम मार्केट से डिस्क परचेज कर लें। इसका डिस्क तकरीबन कोई 30 से 50 रुपए तक का मिल जाता है, तो ये मार्केट में इजीली अवेलेबल भी है। और अगर आपके पास कोई USB है तो आप इसका सेटअप फाइल अपने किसी फ्रेंड से ले सकते हैं। सेटअप फाइल को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उसी लिंक को यूज करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब मेरे पास इसका सेटअप फाइल ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं इसको डायरेक्टली इंस्टॉल करना स्टार्ट करूंगा। अब यहां पर देखें, मेरे पास 64 बिट और 32 बिट ये दोनों मेरे पास अवेलेबल हैं, तो मैं 64 को इंस्टॉल करना चाहूंगा। अब ये यहां पर मेरे पास विनरार के फाइल्स में, यानी कि ये कंप्रेस्ड फाइल्स में, तो इसको आप डबल क्लिक करें। डबल क्लिक जैसे आप करेंगे तो यहाँ पर ये फोल्डर जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर X64 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से है, इसको आप ओपन करें। फिर इसके अंदर X64 और इसके अंदर ये सारे के सारे फाइल्स हैं, और ये रहा setup.exe वाला फाइल है, जिसको डबल क्लिक करने से ये स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसको एक्सट्रैक्ट फाइल के अंदर डबल क्लिक ना करें, यहाँ से इंस्टॉलेशन स्टार्ट ना करें तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप डबल क्लिक करेंगे स्टार्ट करेंगे तो ये एक्सट्रैक्ट फाइल के अंदर ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। आपको मैं सजेस्ट ये करूँगा कि सबसे पहले आप क्या करें कि इस विनरार फाइल को आप तो बंद कर दें, आप जाएं उस एक्सट्रैक्ट, इस फाइल को आप पहले एक्सट्रैक्ट कर लें, यानी कि इसी फाइल को यूज़ करके आप यहाँ पर आप नीचे आएंगे, राइट क्लिक करके नीचे आएंगे, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हेयर लिखा हुआ होगा, तो पहले आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लें ताकि ये किसी फोल्डर की शेप में आ जाए और यूज़ करने में आसानी हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर साइड में वही फोल्डर बाहर निकल के आया, लेकिन ये अभी तक कॉपी हो रहा है। अब इसके यहाँ पर दो बार शो हो रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ऊपर वाला जो बार है ये शो कर रहा है पर्टिकुलर फाइल्स जो कि वन बाय वन कॉपी होके आ रहे हैं, उनके प्रोग्रेस को शो कर रहा है। और दूसरा जो बार है वो दरअसल नीचे वाला जो बार है ये वाला, तो ये वाला शो करवा रहा है ओवरऑल फोल्डर को कि कितना ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। और अगर आप फाइल को देखना चाहें इस कंडीशन में, तो आप इस पर डबल क्लिक करें, देखें कितना इसमें कॉपी हो चुका है। तो आप देखें इसमें इतने फाइल्स अभी इस वक्त कॉपी हो चुके हैं, तो इसको आप बंद कर दें क्योंकि ये फ़िलहाल हमारे काम का नहीं है। तो हम इंतज़ार करेंगे कि ये एक्सट्रैक्ट हो जाए कम्प्लीट। अब ये कोई 71% हो गया, 75 और 78, ये अभी कुछ सेकंड्स के अंदर ये कम्प्लीट हो जाएगा। अब ये 93, 4, 5 और ये हो चलें, ये हो गया। तो अब इस फोल्डर को हम यूज़ करेंगे, इस फोल्डर को आप ओपन करेंगे, राइट क्लिक करके ओपन करें या डबल क्लिक करके ओपन कर लें, आपकी मर्ज़ी है। तो इसके अंदर ये फोल्डर है, तो इस फोल्डर को जो है आपने ओपन करना है, राइट क्लिक करके ये जो है ओपन करें, या फिर आप डबल क्लिक करें इसके अंदर जो फोल्डर है उसको भी ओपन कर लें। अब यहाँ पर देखें वही सेम setup.exe वाला फाइल, इसको आपने डबल क्लिक करना है। तो जैसे आप इसको डबल क्लिक करेंगे या फिर राइट क्लिक करके ओपन करेंगे, आपकी मर्ज़ी है। तो डबल क्लिक जैसे करेंगे तो आपसे परमिशन मांगेगा, येस और नो, तो आपने यहाँ पर येस कर देना है, यानी कि परमिशन मांग रहा है कि इंस्टॉल करें या ना करें। तो जैसे येस करेंगे तो ये एक दूसरा बॉक्स ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, एक इंस्टॉल नाउ और दूसरा कस्टम। सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ कि कस्टम है क्या, तो कस्टम पर आप क्लिक करें। अब यहाँ पर देखें बहुत सारे इसके अंदर सॉफ्टवेयर्स हैं, आपको जो चाहिए वो इंस्टॉल करें और बाकी इंस्टॉल ना करें। आप जैसे जैसे कि मैं ये इंस्टॉल नहीं कर रहा, तो मैं इसको यहाँ पर नॉट अवेलेबल कर रहा हूँ, तो ये नहीं होगा। तो नॉट अवेलेबल इसको भी मैं कर रहा हूँ, और ये वन नोट को भी मैं यहाँ पर मैं नॉट अवेलेबल कर रहा हूँ। आउटलुक भी मुझे नहीं चाहिए, पब्लिशर चाहिए और इसका ड्राइव नहीं चाहिए मुझे। और इस तरह से इन ऑप्शंस को आप जो है बंद कर दें, क्योंकि ये आपके काम के नहीं है। जो काम के नहीं है आप उनको बंद कर दें, और बाकी जो रहने दे रहे हैं उनको रहने दें, ऑफिस टूल्स इसको आप रहने दें। चलें यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पे आप क्लिक करें और यहाँ पर ओके कर दें, तो ये देखें यहाँ पर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। लेकिन ये वाला तरीका हम नहीं करना है, मैं आपको दूसरा तरीका समझाता हूँ जो कि बिल्कुल ईजी है, और जस्ट एक क्लिक पर वो सारे के सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। तो हम दोबारा से वापस जा रहे हैं, यहाँ पर इसको क्लोज़ कर रहे हैं, तो वापस हम जा रहे हैं अपने setup.exe पे। setup.exe डबल क्लिक करेंगे, येस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल नाउ जैसे ही करेंगे तो ये एक प्रोग्रेस बार है। अब ये प्रोग्रेस बार थोड़ा सा टाइम लेगा, तो ये एडिटिंग करने के टाइम पर मैं इसको थोड़ा सा स्पीड अप करूँगा, ताकि हमें इस वीडियो के अंदर इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। और अगर जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे
तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आपने वेट करना है, आप परेशान नहीं होना है आपने कि ये ज़्यादा टाइम ले रहा है या कुछ, और वहाँ पर वीडियो में जो है ये बिल्कुल फास्ट चल रहा था और हमारे पास ये स्लो है। तो ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पर इसको स्पीड अप करूँगा। अब ये स्पीड अप में चल रहा है इस वक्त, तो ये करीब करीब 5 से 10 मिनट, ये डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर पे कि आपका कंप्यूटर कितना फास्ट है, तो कंप्यूटर की स्पीड पर भी ये डिपेंड करता है। तो इसका जो प्रोग्रेस बार है ये कंप्लीट होने तक आपने वेट करना है। अब यहाँ पर भी तकरीबन कोई अगर एक अंदाज़ा लगाएं तो ये 80% या 80% से थोड़ा सा ऊपर इस वक्त तक हो चुका होगा। और ये अब यहाँ पर क्योंकि स्पीड अप इसका मैंने बंद कर दिया हुआ है, तो ये यहाँ पर फिलहाल स्पीड अप नहीं चला रहा, तो थोड़ा सा हमें वेट करना है ताकि ये कंप्लीट चले। ये कंप्लीट हो गया, अब ये कह रहा है कि फ्यू मिनट्स यानी कुछ मिनट्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे पास भी ये तकरीबन हो चुका है और बाकी इसके कुछ सेकंड्स हैं, उस कुछ सेकंड्स के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा यानी कि इंस्टॉल कंप्लीटली ये हो जाना है। चलें यहाँ पर अब ये हो गया, अब यहाँ पर आपने और कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपने इसको क्लोज कर देना है। क्लोज वाले बटन पर आप क्लिक करें। अब ये आपके पास दरअसल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब इसको देखें ये इंस्टॉल्ड कहाँ पर हुआ है, तो स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और जाएंगे अपने प्रोग्राम्स में और देखेंगे कि ये असल में है कहाँ पर, इसका फोल्डर कहाँ पर बना हुआ है प्रोग्राम्स के अंदर। तो इस बार को नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पर चेक करते जाएं कि कहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा हुआ है। तो और नीचे आएंगे यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 जो कि हमने इंस्टॉल किया था, और इसके अंदर ये वो तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमने इंस्टॉल किए थे, और ये सब के सब आ रहे हैं यहाँ पर। ये वर्ड 2013 जो कि हम कोर्स में सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके बाद दूसरा तरीका ये भी है कि आप सर्च कर लें डायरेक्ट आप यहाँ पर सर्च बॉक्स पे क्लिक करें और वर्ड लिखें WORD, तो वर्ड जैसे लिखेंगे तो ये वर्ड 2013 ये आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करें, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वर्ड का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगा, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर ये लोड हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम ये लोड हो रहा है, और जैसे ही लोड होगा ये कंप्लीट इसका इंटरफेस खुल के आएगा। स्टार्टिंग में कुछ सेटिंग्स हैं उनको वो मैं आपको करवा दूँ, उसके बाद आप उनको बार बार यूज़ करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पर जैसे इसको आपने क्लोज़ करना है, तो यहाँ पर मुझसे और सेटिंग्स ये नहीं मांग रहा, आपसे अगर कोई सेटिंग्स मांगे तो आपने जस्ट क्लोज़ ही करने हैं और कुछ भी नहीं। और ये देखें यहाँ पर वर्ड का जो है फाइल कम्प्लीटली ओपन हो के आया है। इसी तरह से एक्सेल पावर पॉइंट वगैरह ये सब कुछ हम यहाँ पर अभी चला सकते हैं क्योंकि ये सब के सब इंस्टॉल हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर कोई भी आपको सवाल हो आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो के मुतालिक यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इंस्टॉलेशन के मुतालिक, तो आप पूछ सकते हैं, और हमें अगर कोई सवाल आपने पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोज आप तक आसानी से पहुँच सकें।